वालेकुम सलाम रहमतुल्ला, फरमाइए। वालेकुम सलाम, मैं ममता वकील बोल रही हूँ। जी वकील उमान। जी जी एक सवाल करना। हाँ जी कीजिए। इसका हाँ कुलू कुलू जी कुलूब में मैं आज करता हूँ जी 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 सही बात है। बात यह है कि हर मुहावरे में कल्ब को एक खास माने हासिल हो गए हैं और उससे मुराद वो जाहरी लोथड़ा जिस्म का नहीं है जिसे हम दिल कहते हैं। जब आप कहती हैं मेरा दिल डूब गया, मेरे दिल पर बड़ा सदमा पड़ा, तो दरअसल दिमाग पे वो सदमा पड़ा होता है और आसाब हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उन पर असर होता है। दिल पे बराह रास्त कोई असर नहीं होता। तो दिल दिमाग के मानों में भी इस्तेमाल होता है हर जुबान के मुहावरे में। दिल साफ हो तो हर बात साफ है, हालांकि नीयत दिमाग में बिगड़ती है और आप कहती हैं दिल उसका खोटा हो गया। तो खुदा ताला ने बंदों से उन्हीं की जुबान में कलाम करना होता है, उसी मुहावरे में कलाम करना होता है। इसलिए दिल से मुराद इंसानी दिमाग की आखिरी फैसला कुन ताकत है, जिसके बिगड़ने से उसके सारे काम बिगड़ते हैं, जिसके सुधरने से उसके सारे काम सुधर सकते हैं। एक तो इसका ये माना है। दूसरा ये है कि दिल का उस दिमाग के आखिरी नुक्ता से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और अगरचे चोट वहां पड़ती है लेकिन उसके नतीजे में वहां से असर पाकर दिल वाकई तक डूब भी जाता है। गमों से लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं हालांकि दिल सोच नहीं रहा, दिल में सोचने की ताकत ही नहीं है, लेकिन सोचता दिमाग है और बहता दिल है। जिसका मतलब यह है कि दिल का उस आखिरी मरकजी नुक्ते से, जिसे हम सोच का आखिरी नुक्ता कहते हैं, एक ऐसा गहरा रिश्ता है कि एक का असर दूसरे पर लाजमन पड़ता है। इस पहलू से गालबन इसी वजह से लोगों ने सोच का मरकज दिल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आखिरी असर के तौर पर दिल पर असर जाहिर होता था। बस इन दोनों नुक्ता निगाह से दिल का लफ्ज़ जो कुरान करीम या हदीस में इस्तेमाल हुआ है उसका माना यह है, इंसानी रूह में जो सोच का आखिरी मरकज है जिसे ब्रेन नहीं बल्कि माइंड कहा जाता है, वो कुव्वत फिक्रिया इन मुहावरों में दिल कहलाती है। और कोई सवाल? अब बशारत साहब पहले खड़े हैं, इनकी बारी है, उसके बाद फिर आपको। अस्सलाम वालेकुम।